लक्ष्मण जी ऐसा प्रतीत होता है इस वन में राक्षसों की संख्या बहुत ज्यादा है। होने दीजिए भ्राता जी, हमें किस बात का भय है? आया के मंगा।
अपना परिचय दीजिए। देवी, हम अवधपति महाराजा दशरथ के पुत्र हैं। मेरा नाम राम, यह मेरा अनुज लक्ष्मण और यह मेरी धर्मपत्नी सीता है। हम पिता की आज्ञा अनुसार 14 वर्षों के लिए बंद में आए हैं। यदि आप भी अनुचित न समझे अपना परिचय दीजिए। जी, मैं लंकापति महाराज रावण की बहन हूँ। मेरा नाम सुपर्णा है। सुंदरता आप तो मेरी देख ही रहे होंगे। सुंदरता मैं तो तीनों लोगों में देवी हूँ। यद्यपि अनेक राजकुमारों ने मुझ पे नजर पड़ी तो किंतु मैंने किसी को भी स्वीकार नहीं किया। Thank you.
तुम मेरे पास क्यों आई हो? मैं आपकी मनोकामना पूर्ण नहीं कर सकता क्योंकि मैं उनका ही दास हूं। मेरे साथ अगर तुमने शादी कर ली तो सारी उम्र रोती रहोगी। इससे तो तुम उन्हीं के पास जाओ, वह तो राजा है, उन्हें कोई भी कुछ नहीं कह सकता। राजा में चल तू, राजा अजी आपने मुझे मुझे किस जंगली कबूतर के पास भेजा? इसे तो बात करने का भी ढंग नहीं है। आता बलावा इन प्रेम भरी बातों को क्या जाने। आपने तो मुझे बिल्कुल भी
इतने गंदे आदमी के पास भेजा, उसने तो मेरे को इतना परेशान कर रखा तब से, उसको न तो बात करने की तमीज, ना बातें करवाने की सलीका, प्यार करने को तो बिल्कुल भी सलीका नहीं है। एक नंबर दर्द का बदतमीज, सूरत देखो जैसे परसों का मरीज, दूर से ऐसी दुर्गंध आई जैसे बसों से ना नहाया होगा। आप ही बताइए ना, आपको छोड़ के चला जाऊंगा मैं वहां पर लड़ जाने। चल बात करी बदकार, यहाँ पे बंदे मत खिला, तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूं, यहाँ पर फंदे मत फैला, कैसी किस्मत ने चोरी बनाई, वाह रे वाह। चल पीछा छोड़, क्यों जान खाई, मेरे इस पलों में तो आ, पीछे हट बेहरिया, बस महान मेरे कहना एक बार तो महान, पूरे करूंगा तेरे अनुमान अनुमान। अजी आप मेरे को क्यों नहीं अपनाते, क्या तिजोरी का जमीन नहीं बोला, एक आटो पे अब समझी, जब तक ये स्मेल है ना तब तक खुशी नहीं होने वाली, मुझे श्री रामचंद्र जी अपनाएंगे अन्ना तो ये रसुमा पगली। अरे मैंने तेरे क्या बिगाड़ा, जो मेरे गले पड़ती है लक्ष्मण, इसकी रग रग में शरारत टपक रही है, हमें तंग करने के पश्चात अब सीता को झपट रही है, जब तक यह दंड नहीं पाएगी तब तक यहाँ से वापस नहीं जाएगी। अच्छा जी बात बचे ना कुछ,
से भली भांति अपना दो। जरूर अपनाओ, मैं भी वही तो बोली कब से। अरे सुंदरी जरा मेरे पास तो आओ। क्या कहा, अब तो मैं बिल्कुल नहीं आने वाली। कितनी देर होगी तब से मेरे तो पसीना भी निकल गया। अब तो मेरे पास आओ, मैं क्यों आने वाली, अब तो आऊंगी भी नहीं दो चार महीने तक। हाँ हाँ मेरे पास आओ। आपको ऐसा लग रहा है कि इतने सरल रूप से मैं आपके पास आ जाऊंगी। जब से इतना मनाया तब तो मुझे कभी राम के पास, कभी सीता जी के पास, और अब बोले मेरे पास आई थी दया अचानक से। क्यों कि आपने मुझे कितने देर तक परेशान करके रखा था। लेकिन अब तो मान गया। परंतु मैं तो अभी बिल्कुल भी नहीं मानूंगी, 8 महीने तक तो बिल्कुल ही नहीं मानूंगी ना। अब तो मेरी बात मानी गई। क्यों नहीं, तुम चांद जैसी सुंदरी हो ना। वो तो हुई मैं बचपन से ही, आप तो अब देख रहे मुझे जब यहाँ जंगल वनवास आया, जंगल में घूम रहे हो। Oh, my God.
अब तुझे कहाँ की चिंता है? तेरी बीवी थोड़ी है जो तेरे लिए रो रही है, तेरी तो बीवी नहीं है। आची आची, क्या मर गया? देखो तो सही क्या हो रहा है। अरे तुम्हारा हो मुंह काला, मेरा नाक कट गई। आप अनेक शोर मचा रहे तो सात शराब पाओगे। चुप रहो, बड़ी सरकार भौंकने लग गई है। लक्ष्मण, मालूम होता है कि बहुत दुष्टा अपने साथियों को लेके आ रही है। वो
वो देखो सामने से धूल के बादल उड़ रहे हैं, इसलिए तुम सीता को किसी सुरक्षित स्थान पर ले जाओ, मैं उनकी मिट्टी ठिकाने लगाता हूँ। जो आज्ञा माता जी। चलिए माता जी। अरे क्या ये सुपनाका की नाक समझी है क्या? खबरदार, जो एक भी पाग आगे बढ़ाया इधर स्वर्ग पहुंचा दूंगा। सेना तो तेरी स्वर्ग पहुंचा दी, अब तेरी ही कसर बाकी है। कोई सेनादारी हो जो रण कौशल बैठ गए हम, छोटी सी दुनिया वाले को क्या अपनी कला उठाए हम। तुम दुष्टों की छाती पर छलनी कर दूंगा, इस छोटे से धनुए से द्वारशीष भेज दूंगा। गुस्सा बेसम इस दुनिया में लोग पर पत्नी को असत्य कहे, ऐसे तपस्वी वनवासियों का दुख आज भी अवश्य हरण कर दे। ओ नारायण, अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। अरे दुष्ट, संसार से विदा हो जा। कट मारो मेरा भाई।